स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा ज़ेवियर जी मैट का जो एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया, तो अभी फ़िलहाल स्टार्ट है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया गया, उसे अप्लाई कैसे करना है 2022 के लिए आपको इस वीडियो में बताऊँगा। मेक श्योर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया ज़ेवियर जी मैट के रिलेटेड। तो अभी आपको करने क्या है कि आपने ब्राउज़र में google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करने हैं xgmat2022 IASA पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, जहाँ पर आपको मैट के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशंस मिलेंगे सबसे पहले। तो अभी आपको सर्च कर देने हैं। जब आप सर्च कर देते हैं तो फर्स्ट वाले लिंक पे एक्जैक्टली क्लिक कर देने हैं। जब आप इस पे क्लिक कर देते हो, आप न्यू टैब में ओपन होते हैं। अभी आप जब न्यू टैब में ओपन हो गए, इसे मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है? इतना भी ओके। तो इतना एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्टार्टेड है, ऐसा लिख गया, मतलब शुरू हो चुकी है, सब फील कर रहे हैं फटाफट। आपको भी करना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबसे पहले तो ये फॉर्म फिलअप करना है जो सामने आप फॉर्म देख रहे हैं। इस फॉर्म में अपना नाम बताएंगे, आपका ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट बतानी है, अभी कौन सा आपका स्टेट है, आपकी सिटी बतानी है। सिटी बताने के बाद आपका इंटरेस्ट रेट, कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे जरूर क्लिक कर देना। इससे ये होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ज़ेवियर इंस्टीट्यूट के रिलेटेड सारे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे कट करके दिखा देता हूँ। पीजी कोर्सेज के लिए रिलीज़ किया गया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए। स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं MBA इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ओके, उसके थ्रू मतलब ये सारे कोर्सेज है। वो सब कुछ नहीं लेना देना अपने को, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। वो यहाँ पर देख सकते हैं कि रिलीज फॉर पीजी कोर्सेज, क्लिक हियर टू चेक एप्लीकेशन डिटेल्स। सो क्लिक हियर पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। तो जब आप क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन होते हैं, स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। जब आप यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं अप्लाई करने के लिए, तो आप न्यू टैब में ओपन होंगे, जो यहाँ पर डिपेंड करता है इंटरनेट स्पीड पर। तो अभी ये हो चुका है, अब हो चुका है। तो ज़ेवियर इंस्टीट्यूट यहाँ पर लिखा है, खुद ही देख सकते हैं। ज़ेवियर इंस्टीट्यूट का सिर्फ 2 कोर्सेज के लिए रिलीज़ किया गया एप्लीकेशन फॉर्म, जो 2 ईयर्स का है, फुल टाइम मास्टर प्रोग्राम्स इन बिजनेस मैनेजमेंट के लिए, और 1 ईयर का फुल टाइम जो यहाँ पर मास्टर प्रोग्राम्स है जो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए। तो अभी जस्ट फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स वाला मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। पहले तो आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी होगी, क्या है इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीज़ें डिटेल्स में। फिर आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करनी होगी, यहाँ पे न्यू यूज़र पे क्लिक करनी है, न्यू यूज़र पे क्लिक करनी है। एप्लीकेंट नेम, आपका नाम बताने हैं और क्या नाम है आपका, जो भी नाम होगा वो बताने होंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर आपके बताने होंगे, आपकी ईमेल आईडी क्या है। ईमेल आईडी बताने के बाद आपको सेंड ओटीपी टू वेरीफाई पे क्लिक करके ओटीपी आएगा आपके फ़ोन में, आपके मोबाइल नंबर या फिर आपकी ईमेल आईडी जिस पे भी आएगा। फिर ओटीपी लेकर के आपको यहाँ पर ओटीपी टाइप कर देनी होती है, फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करने होंगे आपको। तो अभी सेंड वेरीफिकेशंस, तो यहाँ पे एरर आ रहा है, बट यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दूंगा, फिर भी आएगा एरर, क्योंकि आपको यहाँ पर ओटीपी जाएगा आपके फ़ोन में। ओटीपी तब जाएगा जब आपने आपका फ़ोन नंबर करेक्ट दिया रहेगा इसमें, ओके। तो अगर आपने सही से अपना मोबाइल नंबर दिया रहेगा, तभी आप यहाँ पे आपके इसी मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी जाएगा, और ओटीपी जाने के बाद आपको ओटीपी लगेगा, यहाँ पे ओटीपी लगेगा, और फिर उस ओटीपी नंबर को जो भी आपके फ़ोन में आ रहेगा उसे आपको टाइप कर देनी होगी। जब आप टाइप कर देते हैं तो आप आगे प्रोसेस के लिए बढ़ जाते हैं, जिस वजह से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे, ओके। यही एक तरीका है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने का, ओके, ठीक है। तो फिर आप आगे फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस में भी ये सेम यही चीज़ बताई गई है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, जैसे कि आप कैसे एलिजिबल हो पाएंगे इस यूनिवर्सिटीज़ में। तो बैचलर्स डिग्री आपकी मिनिमम 3 ईयर्स का जो है ड्यूरेशन होता है, बैचलर्स डिग्री आपकी कंप्लीट हुई रहनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट्स, किसी भी कॉलेजेस से, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको एटलीस्ट 55% मार्क्स भी चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ओके। फाइनल ईयर डिग्री स्टूडेंट्स आप अगर हैं अभी, मतलब फाइनली मतलब 3 साल का कोर्स होता है, तो सेकंड ईयर हो चुका आपका, थर्ड ईयर चल रहा है फाइनली आपका जो है, तो वो फाइनल ईयर अगर आप कर रहे हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, कि जैसे आपका फाइनल ईयर ख़त्म होता है तो आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं, बट अप्लाई कर सकते हैं ऐसा बोल रहा हूँ। और हु एक्सपेक्ट
टू कंप्लीट देयर एग्जामिनेशंस एग्जामिनेशंस जिनको भी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ पर अप्लाई करने का एग्जामिनेशंस वो यहाँ पे कर सकते हैं। और रिक्वायरमेंट बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिग्रीज यहाँ पर कौन सा डिग्री मैंने बोला था बैचलर्स डिग्री सबकी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। और कब फिल कर सकते हैं 15 जून 2022 को कैन ऑल्सो अप्लाई तब तक अब आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा लिखा है बट मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पर एडमिशन टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन टेस्ट बहुत सारी चीज़ें बताएगी आपको पढ़ लेना होगा बट हाउ टू अप्लाई कैसे करना होता है लॉगिंग कैसे करनी है आपको सारी चीज़ें कैसे करनी होती है स्टेप सेकेंड थर्ड अलग अलग यहाँ पर है। इफ़ यू हैव फिल्ड द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पेड द एप्लीकेशन टू सक्सेसफुली सारी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस देख सकते हैं कैसे होगा और फिर उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे रजिस्टर करेंगे अकाउंट क्रिएट करेंगे जैसा मैंने बताया था। किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पेज का लिंक है इस पेज आपको आकर के आपको भी रजिस्टर कर लेना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।